अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाए, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मरण सर और आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। चलिए बढ़ते खबरों की तरफ। शराबबंदी को लेकर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। मामला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का है। कलेक्टर परिसर में भारतीय शक्ति चेतन पार्टी के द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा गया। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को जिला अध्यक्ष गुलाब चंद्र ने बताया कि इस जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 तलाक और धारा 370 खत्म हो गए हैं, यही बहुत सराहनीय कार्य किया गया है। इसी तर्ज में शराब भी बंद कर दिया जाए तो हमारा मानना है कि काफी हद तक अपराध में लगाम लग जा सकता है। इन्होंने सारी चीजों को लेकर आज हम जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री से संबोधित ज्ञापन देने आए हैं। बाइट गुलाब चंद, जिला अध्यक्ष शक्ति चेतन पार्टी। बाइट रंजना बांदा से अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। अधिकारी जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने आए हैं। हमारी जो 4-5 चीज़ें प्रधानमंत्री जी ने देश हित में लागू किए, बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। नोटबंदी किया जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगी, धारा 370 खत्म किया, देश में सुख शांति की बहार आई, पॉलीथीन बंद किया, वायु प्रदूषण पर रोक लगी उन्होंने, और 3 तलाक भी बंद किया, एक प्रथा का अंत हुआ। तो 4 ऐसे मुद्दे उन्होंने मतलब खत्म किए देश से जिससे समाज में परिवर्तन आया। तो मोदी जी से हम निवेदन करते हैं इस तरप्ती कराती मानवता के कल्याण के लिए, समाज में सुख शांति की स्थापना के लिए, कि हमारी बहन बेटियों के साथ रेप ना करे कोई। कोई भी शराब पीकर वाहन चलाता तो एक्सीडेंट होते हैं, बहन बेटियों के साथ शराब पीकर लोग खिलवाड़ करते हैं। तो समाज के कल्याण के लिए, युवाओं को बचाने के लिए आप नोटबंदी की तरह देश में शराबबंदी लागू कीजिए, यह जरूरत है। अगर शराबबंदी लागू कर देंगे तो पूरे समाज में खुशहाली आ जाएगी, 75% अपराध अपने आप देखते देखते खत्म हो जाएंगे। मेरा नाम गुलाब चंद्र कुशवाहा, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। शराब जल्दी से जल्दी बंद हो जाए, ताकि मतलब सभी समस्याएं कम हो जाए, खासकर लेडीजों की ज्यादा रहती है। क्या सरकार में सारी धाराएं हटा दी है? क्या सरकार नशा को भी बंद कर देगी? क्या नशा बंद पॉसिबल हो सकता है? लेकिन करना चाहे तो हो सकती है, लेकिन जैसे बता रहे हैं सरकार को जो है शराब से काफी लाभ मिलता है, क्या सरकार जो है इसको बंद करेगी? अब देखो, हम लोग भी तो कोशिश रहेगी, यहाँ तक लग तक है अपना लड़ेंगे, इसीलिए बाकी सरकार भी उसका क्या करना चाहती है, इसीलिए जब नशा खत्म होगा तभी जनता खुश रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी संवेदनहीनता आई सामने। एंकर बांदा में नसबंदी ऑपरेशन के लिए जिला मुख्यालय के सर्जन डॉक्टर MC पाल को बिसंदा बुलाया गया था, जिन्होंने महिलाओं के ऑपरेशन किए। नसबंदी कैंप में ग्राम पवई निवासी अनीता पत्नी देवराज, ग्राम भदावल निवासी सुमन, ग्राम सिंहपुर निवासी पूरन पत्नी संतोष सहित 15 महिलाओं का कैंप में नसबंदी हुआ। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। ऑपरेशन के बाद ग्राम भदावल की सुमन सहित अन्य महिलाओं को अस्पताल परिसर में ही फर्श पर लिटा दिया गया। जिम्मेदार महिलाओं को एक बेड तक उपलब्ध नहीं करा सके। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि नसबंदी के बाद महिलाओं को संक्रमण और ठंड से बचाना बेहद जरूरी होता है, इसलिए ऑपरेशन के तुरंत बाद बेड की सुविधा मिलनी चाहिए। ऑपरेशन के 3 घंटे बाद तक लिटाना जरूरी होता है। इसी मामले में स्वास्थ्य संयुक्त निदेशक चित्रकूट गांव मंडल ने कहा, ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन में लिटाने का मामला संज्ञान में नहीं है, यदि ऐसा हुआ है तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है, जानकारी कर कार्यवाही की जाएगी। वही CMO बांदा ने कहा, ऑपरेशन के उपरांत 2 महिलाओं को चक्कर आने के कारण गद्दा बिछा जमीन में लिटाया गया है। बाइट संतोष कुमार, CMO बांदा। बांदा से अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। क्या मामला है, किस तरह से आपकी तरफ से काम? नहीं, उसमें इलाज नहीं हो रहा था, वो नसबंदी का कैंप लगा हुआ था, 15-16 केस रजिस्टर हुए थे, जिसमें वहाँ पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं, 30 बेड की CSC है,
तो कुछ बेड्स फुल होने के बाद में कुछ दो चार दो तीन केसेस को बता रहे हैं जमीन पर फर्श बिछा के गत्ता लगा कर उस पर बिठाया गया था, वो केवल इंजेक्शन लगाने के लिए, उसके बाद ऑपरेशन किया गया। लेकिन वहाँ पर लेटे थे लाइन से, लगातार लाइन से लेटे हुए दिख रहे हैं, दो तीन तो दिख ही नहीं रहे, ऐसे में किस तरह से जांच करेंगे, क्या आवश्यकता पड़ गई जमीन पर लेटा? नहीं, बेड्स के अभाव के कारण बेड्स फुल होने के उपरांत चार दो चार केसेस केवल इंजेक्शन लगा के लिटा दिए गए, उसके बाद एम्बुलेंस से शिफ्ट कर गद्दे पर लिटाए गए जमीन पर। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।